इसराइल पर हमला करने के लिए ईरान की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। अमेरिका भी इसको लेकर अलर्ट कर चुका है। कहा जा रहा है कि ईरान हमास चीफ इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेने के लिए इसराइल के अंदर हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे हालात भी पैदा हो रहे हैं क्योंकि मिस्र ने अपनी एयरलाइंस के विमानों को ईरानी क्षेत्र से उड़ान न भरने के लिए कहा है। साथ ही जॉर्डन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उसने विमानों में 45 मिनट का अतिरिक्त ईंधन रखने को कहा है। खबर यह भी है कि बुधवार को सऊदी अरब में इस्लामिक सहयोग संगठन के देशों की मीटिंग भी हुई जिसमें कुछ फैसले लिए गए। मीटिंग के दौरान ईरान ने धमकी भी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर कोई देश इसराइल पर हमला करने से रोकेगा तो ईरान उस पर भी कार्रवाई करेगा। सऊदी अरब में हुई मीटिंग में ईरानी ने बाकी देशों को युद्ध से अलग रहने की सलाह भी दी है। कहा अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करेगा तो ईरान उन पर कार्रवाई करेगा। ईरान ने कहा कि तेहरान में हमास चीफ की हत्या कर इसराइल ने हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरान ने जिन देशों को सीधे तौर पर धमकी दी है दरअसल ये देश दबी जुबान से इसराइल का समर्थन करते हैं। जब अप्रैल में इसराइल के ऊपर 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी तब इसराइल ने अमेरिका और अन्य देशों की मदद से हमले को नाकाम कर दिया था। जॉर्डन और सऊदी अरब ने भी इसराइल का साथ दिया था। बता दें कि पिछले दिनों हमास चीफ इस्माइल हनिया तेहरान में ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आए थे। इस दौरान ही इसराइल के हमले में उनकी मौत हो गई। ऐसा ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।